हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ तवा पुलाव। इसे बनाना काफ़ी आसान है, तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं तवा पुलाव। तवा पुलाव बनाने के लिए मैं सबसे पहले राइस रेडी करना है। तो मैंने 1.5 कप राइस को उबलने के लिए रख दिया है। मैंने बासमती राइस लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑयल, 1/2 बूंदे नींबू के। इससे राइस हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। राइस को हम बीच बीच में चेक करेंगे, क्योंकि हमें राइस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें 80% तक ही से पकाना है। इससे पुलाव हमारा टूटेगा नहीं। राइस हमारा पक चुका है, हम इसे उंगली से दबाकर देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा पका है। अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे और कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। मैं इसे फ्राई पैन में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून दालचीनी, लौंग, इलायची मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, और कुछ समय के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। मैं ले रही हूँ गोभी, आलू, बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च। अब इसमें डालकर कुछ समय के लिए हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम मसाला ऐड करेंगे। मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 कप मटर। अब हम सभी को मिक्स करेंगे। इसे हमें पकाना, इसलिए हम बीच बीच में ढक्कन लगा देंगे। देखिए हमारा मसाला और वेजिटेबल अच्छे से भून चुका है। एक बार हम इसे चेक करेंगे। आलू को हम कट करके देखेंगे पका है या नहीं। देखिए आलू बहुत अच्छे से पक चुका है। हम मार्केट स्टाइल में बना रहे हैं तवा पुलाव, इसलिए हम बीच में डालेंगे बटर 1 टीस्पून। और पाव भाजी मसाला 1 टीस्पून। अब बटर में हम पाव भाजी मसाले को मिक्स करेंगे और लास्ट में डाल देंगे धनिया की पत्ती और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम राइस को डाल देंगे। राइस को हमें बहुत ही हल्के हाथों मिक्स करना है, नहीं तो टूट जाएगा। तवा पुलाव के लिए आप राइस को पहले बना के रखें, इससे चावल बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है। हमारा तवा पुलाव अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा तवा पुलाव बिल्कुल रेडी है और इसमें बटर और पाव भाजी का खुशबू है, बहुत ही अच्छा निखर कर आ रहा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे खाने के लिए आपको किसी भी दाल सब्जी की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपने मनपसंद किसी भी रायता के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ।